तो देखिए दोस्तों, यह मैंने इस तरह से भी खोल दिया है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी ही सही है। ये ओनली कुछ खराबी नहीं है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मैं वीडियो बनाना थोड़ा भूल गया, इस वजह से मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। दोस्तों मैं क्या है, कनेक्शन काट दिए इसके, और दोस्तों देख लो मैंने कनेक्शन काट दिए इसके, और यह अभी सही बता रहा है दोस्तों। यहाँ से इस वायर में और इसमें लगाते हैं, सही बता रहा है। इसकी एक कोयल खराब थी दोस्तों, वो मैंने निकाल दिए हैं, और ये भी थोड़ा कार्बन आ रहा है, पर मैं इस पर ज्वाइंट करके चला दूंगा इसको, और इस पर ज्वाइंट करके चला दूंगा दोस्तों। तो ये मेरा पंखा सही बता रहा है। तो दोस्तों अभी इसके मेन कनेक्शन कैसे होंगे मैं आपको बता दूँ, इसके मेन कनेक्शन कैसे होंगे दोस्तों। जो एक का ये वाला वायर है दोस्तों, इधर के साइड का बाएं हाथ का, बाएं हाथ का इधर रनिंग पे ले लेंगे और यहाँ पे वेल्डिंग कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारे को एक रेड वाला वायर निकालना होगा, और रेड वाला निकालने के बाद में यहाँ से एक वायर निकल जाएगा, इन दोनों को अलावा एक वायर निकल जाएगा, वो मेन वायर हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक वायर तो यहाँ पे लगाएंगे, जैसे मैं आपको बता दूं लगा कर दोस्तों किस प्रकार का लगाएंगे, आप सोच में पड़े हो कि किस प्रकार लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार लगाएंगे। तो ये हमने एक रेड वायर ले लिया, और एक रेड वायर यहाँ पे जॉइंट करना है, तो ये दोनों कोयलें जॉइंट हो जाएगी। ये इस कोयल का निकल रहा है सीधा, तो इस कोयल का नहीं निकल रहा है, तो उस पर जॉइंट करके रेड वाला निकाल लेंगे, ये अपना मेन वायर हो गया। और उसके बाद में हम अपने को, ये तो लाइट वाला हो गया, अब कैपेसिटर वाला निकालना है। कैपेसिटर वाला यहाँ एक यहाँ वेल्डिंग कर देंगे, यहाँ वेल्डिंग करने के बाद में एक कैपेसिटर का ये निकल गया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में एक कैपेसिटर का और निकालना है, एक कैपेसिटर का यहाँ वेल्डिंग कर देंगे, इस पर वेल्डिंग कर देंगे। वेल्डिंग करने के बाद में दोस्तों, तो वेल्डिंग करने के बाद में इस प्रकार वायर जुड़ेंगे दोस्तों। और ये समझ लीजिए कि ये वेल्डिंग हो चुके हैं। वेल्डिंग होने के बाद में अपने को इन तीनों वायरों को यहाँ बांध कर और यहाँ से निकालना है, यहाँ से ऊपर निकाल लेना है, और एक लाइट वाला इसमें देना है और एक लाइट वाला इसमें देना है। इन दोनों में सीधा घूमेगा, सही घूमेगा, मतलब ये स्ट्रेट नहीं घूमेगी, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये वाली तो इधर घूमेगी, और जो वो अपना वो चक्राता है वो इधर घूमेगा, इस प्रकार ये चलेगा दोस्तों। तो आगे मैं आपको वेल्डिंग करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये वेल्डिंग होगा और किस प्रकार निकलेगा। तो दोस्तों पहले तो अपने को ये तीनों वायर इसमें से निकालने होंगे, तो बाद में नहीं निकल पाएंगे, कनेक्शन टूट जाएगा या फिर हट जाएगा, इस वजह से पहले से निकालना होता है। तो हम कैसे निकालते हैं हम आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तीनों वायर निकाल लेंगे और तीनों वायर को एक साथ नमिंग कर देंगे। नमिंग करने के बाद में अपने को ये वाला धागा लेना है, और धागा लेने के बाद में एक वायर के बीच में वो कैप निकाल लेना है। निकालने के बाद में एक बार पलट
एक गांठ यहाँ लगा देना है। ये देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से एक गांठ लगा देना है। लगाने के बाद में दोस्तों अच्छी तरह से गांठ लगा देना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मेरा धागा निकल गया, आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा धागा निकल गया, तो मैं एक बार फिर से धागा डालूंगा दोस्तों। धागा डाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे किस प्रकार करना है। दोस्तों मेरा धागा छोटा था, इस वजह से निकल गया। बाय गुड मॉर्निंग। हाँ मम्मी दीजिए। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार आप भी घर में भी कर सकते हो। अगर दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी दोस्तों।
यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। इसको दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और इन दोनों को, एक को यहाँ पे और एक को यहाँ पे। तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम इस वीडियो को रोक देते हैं क्योंकि हमारे लाइट चली गई है और लाइट आने के बाद में इस वीडियो को फिर से शुरू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेल आइकन को भी नहीं दबाया हो तो उसको भी दबा लीजिए। इससे यह होगा कि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे मोटर वाहन के बारे में हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। और ये इसका कैपेसिटर है दोस्तों, कैपेसिटर इसके साथ ही आएगा दोस्तों। इस पर नंबर वंबर कुछ नहीं है, पर ये कैपेसिटर 3.25 का है, 3.25 का कैपेसिटर है दोस्तों। तो इस प्रकार मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा इस पंखे को कि किस प्रकार ये चलेगा। ठीक है दोस्तों।